वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे लाखों रुपए की मशीनें लगी हुई हैं जो बर्फ बनाती है। हमें कश्मीर जो आदमी नहीं जा पाता वो यहाँ पर आकर के 1000 रुपए टिकट में कश्मीर का एंजॉय ले सकता है। लाखों रुपए की मशीनें जो बर्फ बनाती है उसका एंजॉय ले सकता है। आपको ऐसा फील होगा कि आप कश्मीर में आ गए हैं। चलो पूरा वीडियो लास्ट तक दिखाता हूँ, देखें आप लास्ट तक, मजा आ जाएगा। मुझे जैकेट, शूज और ग्लव्स फ्री मिले हैं, 1000 रुपए में इंक्लूड थे ये, जो मुझे दे दिए गए इन्होंने। अब मैं अंदर जाऊंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। नमस्कार जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज चलेंगे स्नोफॉल, चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्नोफॉल आगे हूँ मैं, आप देख सकते हो नीचे बर्फ है चारों तरफ, बड़ी मस्त है, बहुत जोरदार है। ये आपको दिल्ली के अंदर पड़ेगा सेक्टर 18 में, 1000 रुपये टिकट है और आपको कॉस्ट्यूम साथ में फ्री मिलेगा, जैसे शूज ग्लव्स सब फ्री। स्नो वर्ल्ड आने के बाद में बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि मैं कश्मीर में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कश्मीर में हूँ और बर्फ गिर रही है। ऐसी मशीनें, अद्भुत मशीनें मैंने यहाँ पे देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। एकदम माहौल अलग सा हो गया था अंदर जाने के बाद। चारों तरफ बर्फ गिर रही है और बर्फ ही बर्फ है, दीवारों तक में भी बर्फ जमी हुई है। माइनस शायद 10 डिग्री या 5 डिग्री में पहुंच गया था मैं टेम्परेचर में। ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरत एरिया है, कितना खूबसूरत जगह है। आपका भी अगर मौका मिले तो जरूर जाके आना। अंदर का जो माहौल था ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बर्फीली घाटियों में आ गया हूँ, बर्फीली जगहों पे आ गया हूँ, इस तरीके से। 1000 रुपये चार्ज में आपको 1 घंटा मिलेगा अंदर स्नोफॉल में इंजॉय करने का। स्नो वर्ल्ड में 1 घंटा तक कर सकते हैं आप, बहुत मस्त लगता है। आप एक बार अगर दिल्ली आते हैं, अगर आप कश्मीर नहीं जा सकते तो आप यहाँ पे स्नोफॉल के मजे ले सकते हैं। आप देख सकते हो मस्त बर्फ है, मज़ेदार मौसम है, मज़ा आ गया। ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मुझे कि मैं कश्मीर में नहीं हूँ, कश्मीर जैसा लगता है। दिखाता हूँ आपको स्नो वर्ल्ड की टाइमिंग है 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। 1 घंटे में आपको 1000 रुपये में 1 घंटा मिलेगा, जिसमें 1 घंटा हम इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं सर्दियों में हूँ इसलिए यहाँ पे पब्लिक कम है और ज़्यादातर गर्मियों में आते हैं लोग, और यहाँ पे गर्मियों में पैर रखने की जगह नहीं रहती। वैसे सर्दियों में भी लोग आते हैं जिसको कुल्लू मनाली शिमला नहीं जा पाते, तो यहाँ पे आकर के वो उस चीज़ का एहसास ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। अब मैं सर्दियों में आया हूँ तो यहाँ पे लोग कम हैं, पर मेरा वीडियो बहुत अच्छे से शूट हुआ। गर्मियों में शायद इतना अच्छा नहीं बन पाता। सिर्फ सुकून चाहिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। इसके अंदर एक गुफा बनाई हुई है, उस गुफा में चलते हैं, बहुत मजा आएगा उसमें बैठने में। अब चल रहे हैं अंदर, दिखाता हूं आपको। अच्छा बना रखा बैठने के लिए गुफा में, आप आराम से बैठ सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यूज आता है और कितना सुकून मिलता है इस गुफा में। टेबल बना रखी है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, दीवारों पे भी बर्फ। सबसे बड़ा बादशाह कौन है दुनिया में? सबसे बड़ा बादशाह है वक्त। वक्त का कहना है कि मैं कल फिर नहीं आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है कि तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो बस इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा।
आपको कहीं भी एहसास हो रहा है कि ये एक मशीनों के द्वारा बनाई गई बर्फ है, ऐसा लगता है नेचुरल बर्फ है, आप देख सकते हैं। मेरे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर आऊँगा नई वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करके जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें सभी चैनलों पर। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।